बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड वन। होप यू ऑल आर वेल। आज बेटा हमारा रमजान मुबारक का 24वां रोजा है और हमारे रमजान मुबारक आज जुम्मा है, आखिरी जुम्मा है। तो हमारे रमजान हमसे अलविदा होने वाले हैं। हम सब मिलके अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हमने इस महीने में जो जो इबादात की हैं, जो जो कुछ पढ़ा है, अल्लाह पाक कुरान पाक पढ़ा है, उसमें अगर हमसे कोई कोताही कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ करे। और हमने जो जो अच्छे अच्छे काम किए अल्लाह पाक उसे कबूल करना, और जितनी भी इबादत की है उसे कबूल करना, आमीन। और अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस कोविड जैसी वबा को इस पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और हम दोबारा से अपने स्कूल में बैठ के अपनी स्टडी करें। तो आज जुम्मा है, आप सबने मिलके अल्लाह ताला से दुआ करनी है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, ठीक है। अब अपनी क्लास की तरफ आ जाते हैं। आज हमारी उर्दू की क्लास है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है। आज क्या तारीख है? आज है 7 मई 2021 है और जुम्मत मुबारक का बाबरकत दिन है, ठीक है। और आज हम अपना नर्दबान का उर्दू का सफ़ा नंबर 14 करेंगे, ठीक है। हमने इस नर्दबान के उर्दू के सफ़ा नंबर 14 को हमने कॉपी में भी करना है, हमने बुक में भी करना है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक है एराब और उनकी आवाज़ें। अच्छा, आपको पता है हुरूफ तहजी के ऊपर जब अराब लगे हुए होते हैं तो उनका भी एक अलग साउंड आता है, ठीक है। जेर, जबर, पेश, इन अराबों का भी एक अलग साउंड होता है। जब अलिफ के ऊपर क्या नाम है जबर लगा हुआ होगा तो उसका साउंड कैसा आएगा, अलिफ जबर आ। अच्छा, अलिफ के नीचे जब जेर लगा होगा तो उसका साउंड कैसे आएगा, अलिफ जेर ई। अलिफ के ऊपर पेश लगा हुआ होगा तो उसका साउंड कैसे आएगा, अलिफ पेश ऊ। इसी तरीके से बे के नीचे जेर लगा हुआ होगा तो कैसा साउंड आएगा, बेजेर बी। बे के ऊपर जबर लगा होगा तो कैसा साउंड आएगा, बेजबर बा, बेपेश बू। इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। अल्फाज के पहले हुरूफ के आवाज की मुनासिबत से उन्हें दुरुस्त खानों में लिखिए। अब एराब पता है आपको, सबसे पहले जो अल्फाज का पहला हुरूफ होता है ना, एराब उसी के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। अल्फाज के पहले हुरूफ की मुनासिबत को देखते हुए, उनकी आवाजों को सही से गौर फिक्र करते हुए, उनकी आवाजों के ऊपर हम उनके दुरुस्त खानों में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं आपके सामने, गुड़िया, फूल, दिन, दाम, सुख, नीला, जाग, ईद, बस, लींबू, नरम, सुन। अच्छा, सबसे पहले कॉलम है, तीन कॉलम्स बने हुए, ठीक है। एक सबसे पहले वाले में जेर है, ये जेर का एराब है, जबर ये जबर का एराब है, पेश ये पेश का एराब है, ठीक है। सबसे पहले वाले कॉलम में जेर, जेर का जो है हम अल्फाज लिखेंगे, आइन जेर ये दाल ईद। जबर के अल्फाज पे आएगा नून जबर रे मीम नरम। तीसरे में आ जाएगा गाफ पेश रे ये लिफिया गुड़िया। अब नीचे आ जाते हैं, लाम जबर ये सॉरी लाम जेर ये मीम वाव नून लींबू दूसरे पे आएगा, ठीक है। अब दूसरे के जबर पे क्या आएगा, दाल जबर अलिफ मीम दाम। तीसरा जो है पेश के, उसमें दूसरे पे क्या आएगा, पे पे पेश दो चश्मी है वाव लाम फूल। इसी तरीके से जेर के तीसरे वाले पे क्या आएगा, दा ज़ेर नीन दुन दिन सॉरी बे ज़बर सीन बस गाफ वो तो हो गया सॉरी सीन पेश काफ दो चश्मी है सुख। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, तो लास्ट में क्या आएगा, नून ज़ेर ये ला मलिफिया ला नीलाम ज़बर जबर के। अब उस पे आ जाते हैं जीम जबर अलिफ गाफ जाग, ये जाग यहाँ पे आएगा जबर में। अब लास्ट सीन पेश नून सुन, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज अपनी कॉपी में भी करनी। अब हम आ जाते हैं नीचे की एक्सरसाइज पे, अल्फाज पर एराब लगा कर लिखिए। अब ये वाली एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, आप साउंड्स पे गौर फिक्र करेंगे किस तरीके से जबर का साउंड निकलता है, जबर जब साउंड में कैसा आता है अ, जेर के साउंड में कैसी आवाज आती है ई, पेश के साउंड में कैसी आवाज आती है ऊ। तो आप ये एक्सरसाइज खुद से करेंगे, ठीक है, सही है, क्योंकि मैंने आपको पहली वाली एक्सरसाइज में आपकी हेल्प कर दी है। ये दोनों एक्सरसाइज आपने अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने होमवर्क की तरफ आ जाते हैं।
ठीक है, आपका होमवर्क यही है, नरबन सफा नंबर 14 अपनी नोटबुक और किताब में मुकम्मल करें। आपने ये दोनों इस पेज नंबर 14 की दोनों एक्सरसाइजेस अपनी कॉपी में भी करनी है, बुक में करनी है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।